साठ साल की हूँ। देख ले मैडम 60 साल, तुम अपना देख ले। आपको किसने सिखाया था अचार बनाने को? ये सब में हम लोग का खानदानी चीज है। अच्छा, आपकी मम्मी ने सिखाया? आपका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल में। और आज का व्लॉग क्यों बना रही हूँ, सो पिछली बार मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मेरी सासू माँ कह रही थी कि हम इसका अपना आलू का कुंदरी का अचार बना रहे हैं। तो इतने सारे मुझे कमेंट आए थे, डीएम आए थे कि दीदी प्लीज आप इसका रेसिपी जरूर शेयर करना। तो आज मैंने मम्मी को कहा है कि हम इसका रेसिपी डालेंगे। तो मम्मी को थोड़ा पटाया है मैंने सासू माँ को, यू नो सासू माँ को पटाना कितना मुश्किल काम है, बट मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इस ब्लॉग को एंड तक देखना, स्किप मत करना, फटाफट से इंस्टेंट अचार बनाएंगे आलू का और कुंदरी का। सो आलू और कुंदरी को उबाल लिया है हमने कुकर में, उसको मतलब ढक्कन नहीं लगा है, मतलब हमने उसको सीटी नहीं लगानी है, बस उसको उबालना है। वहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट के रखी है क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी बनानी है बंदा गोभी और आलू की। तो इस तरह से इसको भाप लगाना है 5 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो सीज जाए, बहुत ज़्यादा उसको गलाना नहीं है। जैसे कि हम चेक करेंगे कि ज़्यादा ही मतलब वो पिघल ना जाए, उसको ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए चाकू से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उसको गलना नहीं चाहिए, है ना। तो दिखता ही नहीं है बाजार में। अरे वो दिन देखिए दिखा का दम सुपर सुपर अच्छा होगा तभी ना। अच्छा 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 होगा तभी अच्छा अच्छा बनेगा। बच्चा हर में इसीलिए नहीं जाती, तो हम तो तो कहाँ पे कहाँ पे कहाँ गए, इधर से गए गंदक नगर। कौन सा नगर? गंदक नगर, गंदर्व नगर। हाँ, फिर उधर से उधर 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 से किधर बाहर। हमारी सास बहू की जो बातें हैं वो नेवर एंडिंग होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। सुनीता दीदी आ गई है जो बर्तन धो रही है, मम्मी यहाँ पे कुंदरी को काट रहे हैं, आलू को भी शेप में काट रहे हैं। तो इसको फ्रिज में रखना पड़ता है, 8 दिन तक खराब नहीं होता, 1 महीना खराब नहीं होता है। पर ये तो उबाला हुआ है ना। अरे तो उबाला है तो फिर तेल में पकेगा ना, धूप में सूखेगा। अचार तो इंस्टेंट है जो तुरंत बन जाता है, हम तुरंत भी खा सकते हैं इसको, दिन भर हम धूप में पकाएंगे। मम्मी इसको काट रही है, कट कर रही है, फसून से कट करी क्योंकि मम्मी को चाकू यूज़ करने नहीं बनता है, सो मम्मी फसून का ही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे उसके बाद हमने मेथी सरसों को थोड़ा सा भूजना है उसको, सौंफ मेथी एंड सरसों तीनों चीज़ को भूजना है। सौंफ भूज लिया मम्मी ने, मैंने मेथी भूजी और अब मैं सरसों डाल रही हूँ कढ़ाई में। सरसों भी पीसना है, पीला सरसों रहा था तो ज़्यादा बेटर होता, बट था नहीं हमारे पास, गांव में भी खरीदना ही पड़ेगा। पीला सरसों रहता तो अच्छा रहता, पीला रहता तो कलर अच्छा है। महका भी ज़्यादा भूजते गैस चालू है। नेवर एंडिंग कुकिंग, सास बहू की बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती हमारी। सो मम्मी ने जीरा एंड मेथी को कूट लिया, थोड़ा सा दरदरा कूटा है, एकदम बारीक नहीं किया है, बट हाँ जो सरसों है उसको फाइन पेस्ट करना, एकदम बारीक करना और इस तरह से ऊपर से उसके ऊपर डाल देना है आलू एंड कुंदरी के ऊपर। नहीं मैं बोली जाता है कुंदरी जाता है, ठीक है करके देखिए कम होगा तो भूज देंगे। नमक डाल दिए, नमक कहाँ है तीखा वाला मिर्ची इसमें है ना, उसमें उतनी से क्या होगा। तो उसको हाथ से नहीं अच्छा होता है, और कुछ करेगा तो भले उसमें मिर्ची ज़्यादा था ना। हाँ कम मिर्ची डालिएगा। आप इसमें सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो, हम नहीं यूज़ करते क्योंकि मेरे पति को सरसों के ऑयल से पेट में दिक्कत हो जाती है, गैस हो जाती है। आप इसमें यूज़ कर सकते हो सरसों का ऑयल। हाँ 8 दिन कम से कम 8 दिन तक चलाओ। 8 दिन चल रहे हैं, वही बहुत।
अरे अचार ऐसे एक दो खाया जाता है, वैसे नहीं खाया जाता है। समझिए तैयार हो गया। हल्दी हल्दी मिर्ची नमक तेल अजवाइन मंगरेल सौंफ मेथी। अब इसको धूप में कितना देर तक रखेंगे? खाते जाओ मैं ठीक बोल रही हूँ। ये बताइए आपको किसने सिखाया था अचार बनाने को? ये सब में हम लोग का खानदानी चीज है। अच्छा आपकी मम्मी ने सिखाया? मेरी माँ अचार का बड़ी शौकीन है। बैंगन के अचार। बैंगन के अचार ओ सेब का अचार। अच्छा करेले का अचार, कटहल का अचार, ये सब बनाते थे? मेरी मम्मी अचार का बड़ी शौकीन, मतलब खून में है, ब्लड में है। कम से कम 50 किलो आम का अचार डालती थी एक बार में। इतना बड़ा टप में अपने नहीं काटे से थक जाती थी। हाँ। तो मेरे चाचा थे तो चाचा को बोलती कि चंदर मत तू काट, नहीं तो दादा को बोलती कि गड़ासी से काट के दो। गड़ासी गड़ासी तो वहाँ तो पेड़ है आम के इतने बड़े बड़े। हाँ तो एक बार 50 किलो तोड़ेगी बोलेगी गिरा हुआ आम को नहीं डालेगी, गिरा हुआ आम को बोलेगी कि खराब हो जाता है। अच्छा इसलिए आप ये सब अचार पिचार बनाना सीख गए? मैं घर में नहीं, वहां पर गांव में शादी में भी बनता है। शादी होता है ना तो दो अचार तो जरूरी है। अच्छा आप जब पहली बार बनाए तो खराब बना होगा? नहीं जब फर्स्ट टाइम बनाए नहीं। कौन सा एज में बनाए थे फर्स्ट टाइम? मुझे थोड़े ना याद है, फिर भी 42 साल हो गया, 43 साल हो गया अचार बनाते बनाते। शादी का 43 साल हो गया, 60 साल की हूँ। देख ले मेरा मुंह 60 साल, तुम अपना देख ले। आप कोई बोलेगा क्या आपको? मतलब वही तो अभी वही ना, तो तुम लोग को टेंशन से मैं ऐसे हो गई, नहीं तो मैं अभी भी यंग रहती। बच्चे लोग को क्या है नहीं है ये सब देखो। ऐसे सच बता दे, मेरी माँ बहुत शौकीन थी अचार की। वो देखती थी ना कि खेत में बैगन भरा ले, बैगन का फटसना अचार डाल देती थी, और सेम फड़ा है खेत में सेम का अचार डाल देती, पपीता का अचार बहुत बढ़िया होता है। पपीता का अचार? हाँ कच्चा पपीता। कटहल का भी बनाते होंगे? हाँ अब इस बार लाऊंगी ना कटहल तो बनाऊंगी ना अचार, एक ही में ना डालूंगी कटहल करेला परवल एक जगह आधा किलो कटहल के बराबर का अचार डाल के रखूंगी, लेकिन उसमें राई का तेल चाहिए क्योंकि वो सब तुरंत नहीं खत्म होता, 6-6 महीना चलता है, ये तेल अच्छा नहीं होता है। लेकिन क्या करिए ना, कल बाजार जाएंगे ना, पीला सरसों ले आइएगा। नहीं सुनो ना, पीला सरसों है इसको खत्म होने दो। मैं क्या बोली कि अथी कटहर करेला और परवल तीनों मिक्स करके डालेंगे, थोड़ा सा कटहर एक ही में। अच्छा एगो में कटहर जितना, एक पाव कटहर, एक पाव लहसुन, एक पाव मिर्ची, एक पाव अदरक। अच्छा तो उसको थोड़ा मिक्सर में ग्राइंड करके कच्चे डाल के तेल डाल के धूप में 10 दिन तक छोड़ देना, उसको तब उसको खाना पक जाएगा तब। एक कच्चा उबला वाला रहेगा ना तो 15 दिन तक चलेगा। ठीक तो अब हो गया ना ये? हाँ ये अब धूप में रख के खाना है बस। एक कच्चान तरी नीमक चीज तो क्या बोली? ना बोली, नमक कम बेसी हो जाता है ना, खाली से मसाला खा लेना। मैं सुबह नहा कर काकड़ी और बीट खा रही थी, बट मम्मी ने मुझे अचार चखा कर ही माने मना करी, तब पर मुझे ज़बरदस्ती चखाए और नमक वगैरह सब कुछ ठीक था। उसके बाद हमने इसको रख दिया धूप में वहाँ। ये दनोरी है जो खिचड़ी की मसालेदार दनोरी है, और इस तरह से हमने अचार को धूप में रख दिया। पक जाएगा तब मैं बताऊँगी आपको कि कैसा लग रहा है अचार, क्या टेस्ट आ रहा है पकने के बाद। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का से बताऊंगी। अब मम्मी के बहुत अच्छे अच्छे प्लानिंग चल रही है अचार बनाने की, बहुत सारे अचार उनको बनाने हैं। सो मेरे चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।